Grade 5. Today we are going to start a new chapter. Gases around us. Everything around us can exist in three fundamental states. Solid, liquid and gas. हमारे आसपास तीन example होते हैं. तीन states होते हैं. यानी solid means जो कड़क चीज़ होती है उसको solid बोलेंगे. Liquid means जो पानी जैसा होता है. Liquid and gas means आपको पता है gas हम किसको बोलते हैं. Of this gas has molecules that move most freely and independently of each other. A gas has three properties. It is easy to compress, it expands to fill space, and it occupies more space than liquids or solid from which it is formed. Gas कैसी चीज़ है जो compress हो जाता है, वो expand होता है, यानी बढ़ते जाता है अपनी जगह के हिसाब से, और ये ज़्यादा ऑक्यूपाई करता है जगहों को लिक्विड से, और सॉलिड से भी ज़्यादा गैस को ज़्यादा जगह की ज़रूरत पड़ती है, विच इज़ फॉर्म्ड. आइडेंटिफाई द गैसेस फॉर देयर डिस्क्रिप्शंस. हम लोग गैस को आइडेंटिफाई करके उनकी नेम्स लिखेंगे. यहाँ पर सारे शॉर्टकट एग्जांपल्स दिए हुए हैं गैसेस के. H फॉर हाइड्रोजन. इट इज़ द लाइटेस्ट एलिमेंट ऑन अवर प्लैनेट एंड द मोस्ट प्लेंटीफुल एलिमेंट इन अवर यूनिवर्स. Because of its light weight, it easily escapes the earth atmosphere. Hydrogen सबसे light होता है, इसलिए ये plentiful element in our universe. पूरे दुनिया में, विश्व में ये बहुत ज़्यादा है, इसका weight भी बहुत कम है और ये जल्दी से move होता है. So write here hydrogen. Second one is N. More than 78% of the earth atmosphere is made up of the gas. 78% गैस है नाइट्रोजन. एस एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट्स नेचुरल साइकिल ऑन अर्थ. दिस गैस एंड इट्स कंपाउंड्स हेल्प ऑल लिविंग थिंग्स टू सर्वाइव. सर्वाइव करने के लिए नाइट्रोजन की ज़्यादा जरूरत पड़ती है. सो राइट हियर नाइट्रोजन. थर्ड वन इज दिस गैस इज एसेंशियल फॉर लिविंग बींग्स टू ब्रीथ एंड सर्वाइव. इसके बिना हम लोग नहीं जी सकते. इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बाय प्लांट. ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के हम लोग जी नहीं सकते, और प्लांट्स को भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है क्योंकि तभी वो फोटोसिंथेसिस अपना बना सकते. प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बाय हेल्प ऑफ ऑक्सीजन. ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स अब्सॉर्ब दिस गैस. इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लाइफ साइकिल्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. कार्बन डाइऑक्साइड. This poisonous gas is produced when fossil fuel like coal and wood are burned. It is also produced by gasoline-powered equipment and in automobiles exhaust. Carbon monoxide. Monoxide. The poisonous gas is produced by the fossil fuel. इसमें से बनता है. कोल और वुड को जब जलाते हैं, यानी कोयले को और लकड़ी को जब जलाते हैं, तब ये वाला गैस उत्पन्न होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड. The light gas was first found on the sun's atmosphere before it was found on the earth. In fact, the name of this gas comes from the Greek word for sun, helios. So helium. कौन सा गैस है ये? हीलियम है. ये लाइट गैस है और ये सबसे पहले सन्स एटमोसफियर बिफोर इट वॉज फाउंड ऑन द अर्थ. जमीन पे यानि अर्थ में मिलने से पहले, धरती पे मिलने से पहले ये सन के आसपास एटमोसफियर में मिला गया था. ये इसका ग्रीक वर्ड क्या है? हीलियोस. इसका नाम है हीलियम. ओके, नाउ फन टाइम. गैसेस आर यूज्ड फॉर मेनी हाउस होल्ड एंड कमर्शियल पर्पोसेस सच एज कुकिंग, रेफ्रिजरेटर एंड ट्रांसपोर्टेशन. दे कैन समटाइम्स बी यूज इन देयर लिक्विफाइड फॉर्म्स और कंपाउंड्स. मैच द गिवन गैसेस विद देयर कॉमन यूजेस. ऐसे बहुत सारे गैस होते हैं जिसमें हमारे रेगुलर यूज में काम आते हैं, जैसे हमारे रोज के खाने पीने में, ट्रांसपोर्ट करने में, इन सब चीज़ों में इन सब गैसों की ज़रूरत पड़ती है. फर्स्ट वन इज कोल्ड ड्रिंक्स. ये सारे कोल्ड ड्रिंक्स है और रेफ्रिजरेटर है, फ्रिज. फ्रिज में कौन सा गैस होता है? कार्बन डाइऑक्साइड. इन सब चीज़ों के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होता है. सो राइट हियर बी. सेकेंड वन है लाइट. तो इसमें नियॉन वाली गैस इसमें यूज होती है. विल राइट हियर डी. थर्ड वन इज ऑक्सीजन. ऑक्सीजन हम लोग पानी के अंदर भी जाते हैं तो अभी हम लोग हमारा ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं, तब हम लोग ब्रीथ कर सके. सो दिस वन इज ऑक्सीजन ई. नाउ फोर्थ वन इज यहाँ पर कोल्ड एरिया. ये कोल्ड एरिया है यानी जो कोल्ड स्टोरेज है, और जो क्रॉप्स में
जो दवाई छाटी जाती है, जो डाली जाती है, इसमें कौन सा गैस यूज होता है? ए नाइट्रोजन. कौन सा गैस? नाइट्रोजन ए. एंड फायर, फायर और इसमें पेट्रोल में कौन सी गैस की ज़रूरत पड़ती है? नेचुरल गैस. ये सारे नेचुरल गैस हैं. कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन आर एग्जांपल फॉर ग्रीन हाउस गैसेस. दिस गैसेस अब्सॉर्ब इंफ्रारेड रेडिएशन गिवन ऑफ फ्रॉम द अर्थ. दस दे एक्ट एन ए इंसुलेटिंग लेयर ऑफ द अर्थ, इंसुलेटिंग लेयर फॉर द अर्थ, रेजिंग इट्स टेम्परेचर. इन सब चीज़ों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा ज़रूरी है. मीथेन और एग्जांपल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस. इन सब हमको रोज की जीवन में जीने के लिए गैसेस की ज़्यादा ज़रूरत होती है. हम बिना ऑक्सीजन के हम लोग नहीं जी सकते हैं. ओके किड्स, कंप्लीट दिस इन योर बुक.